जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी इतनी ही सलाह है कि सत्संग में जो कुछ भी सुने उसको प्रिया प्रियतम के अखंड स्मरण में परम सहायक बना लें। बस इससे अधिक मैं क्या लिखूं कि तनहु राखु सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। और सबसे अंतिम बात यह है कि निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। संतों से सुना है दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो, तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का सरल साधन है, यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है शांत है तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं, पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं। तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है, भले ही निमित्त कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो। यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे तो संचित पाप की ढेरी जलने लगेगी और तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। भगवान की शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोलकर रख दो, फिर वे कहेंगे कि चिंता तुम मत करो। कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है, उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह तो अपने हाथ की बात नहीं है। कड़ा नियम लेने से कुछ न कुछ भजन बनेगा ही, अतः कुछ मालाओं का नियम अवश्य लें। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिंतनमय वातावरण में रखो, परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से प्रभु से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है, अतः इस प्रकार बहाने से भी प्रतिदिन प्रभु से कुछ समय यदि जुड़े रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर प्रार्थना करने वाले को ऊपर खींच लेती है, अतः प्रार्थना करते चले जाएं। बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रोकर पुकारिए, किसी न किसी दिन वे सुनेंगे ही। श्री भाई जी ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि हाय वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो चाहिए इसलिए कि वह बिना भजन किए हुए ही मर गया, उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतएव हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि अपने परिवार का अपना स्वजन आत्मीय कोई भी बिना भजन किए ना मर जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपने से संबद्ध कोई भी व्यक्ति भजन के बिना न रहे। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हों, उन सबको हम भगवान की ओर प्रवृत्त करें। ऐसा करने पर परिवार के सदस्य हमें किसी सराय में विभिन्न अनिश्चित गंतव्य स्थानों को जाने के लिए ठहरे हुए यात्री अनुभव नहीं होंगे। हमें अनुभव होगा जैसे एक ही मालिक के आश्रित एक ही गंतव्य स्थान अपने घर की ओर जाते हुए व्यक्ति किसी धर्मशाला कोठरी में ठहरे हुए हों। वस्तुतः यही संबंध वास्तविक है, यही वांछनीय है। सत्संग की एक ही बात है कि प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण करें। जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति उन्हीं में समाई रहे। आकाश जल थल वन उपवन मनुष्य पशु पक्षी जहाँ कहीं भी हमारी दृष्टि जाए वहाँ हमारी आँखें प्रिया प्रियतम को विराजित देखें। जो भी शब्द हमारे कानों में प्रवेश करें
उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशी नाद, वृंदावन की रानी भानु किशोरी का मधुर नूपुर रव भरा प्रतीत हो। प्राण उनके श्री अंगों से सुवासित, पवन की गंध पाकर सदा मस्त रहें, उन्मत्त रहें। कुछ भी स्पर्श होने पर उनके चरणारविंद से झड़ते हुए मधुर पराग का सुकोमल स्पर्श सुख प्राप्त होने लगे। रसेंद्रिय उनके अधरामृत सिक्त वस्तु का ही आस्वाद ले। इस प्रकार हमारी पांचों इंद्रियां उनमें तन्मय हो जाएं, बस इसी में जीवन की सफलता है। इससे बढ़कर सत्संग की भगवद विषयक बात और क्या हो सकती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।